मजदूर तो आपको सब में लगाना है, पेट्रोल इंजन लीजिएगा तो उसमें मजदूर लगाइएगा, फिर भी पेट्रोल डालना पड़ेगा, इसमें तो आपका पेट्रोल बच रहा है। और जैसे ही कोई आदमी या जानवर दिखा, पहले उसको पहचानेगा, पहचान करके ठीक उसके विपरीत आवाज निकालेगा हॉर्न से, फिर आपको फोन कॉल कर देगा और फोटो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। नहीं, बैटरी से चलती है आपका, इसमें 48 वोल्ट की बैटरी है। ए प्रीतम, इसका बैटरी बैकअप 3 से 3.5 घंटे की बैटरी बैकअप होती है, ठीक है प्रीतम। और उसके बाद ये इससे आप जुताई कर सकते हैं, आप निराई गुड़ाई कर ही सकते हैं, घास निकाल सकते हैं, प्लस में इससे कम से कम 6 से 7 इंच तक की आप जुताई भी कर सकते हैं। ये जो रैयती रेट था यहाँ और अधिकतम रेट था, तो क्या इसमें समझ कुछ नहीं आ रहा? अभी जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख करके अगर कॉल करते हैं, बताते हैं, तो जो रियायत अभी यहाँ लिखा हुआ है मेले में जो चल रहा है, रेट चल रहा है, यही रेट उनको मिल जाएगा। मतलब ये जो वीडियो देख के मेले मेला वाला जो वीडियो का रेफरेंस देते हैं तो नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त अनिल रमन। आज हम आए हुए हैं बहुत ही अच्छा जगह, मतलब यहाँ पूरे किसान भाई के लिए एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, और उसी प्रदर्शनी में हम भी स्टेफिफाई के यंत्रों के साथ उपस्थित हैं। चलिए हम देखते हैं इस पूरे मेले का, हम व्यू तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, प्लस आपको दिखाएंगे स्टेफिफाई के जो भी हमारा यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं जो कि आपको मैं इस मेले में दिखाने जा रहा हूँ। और यह जो मेला है वो मंदार हिल पर्वत का बहुत ही बड़ा मेला होता है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, और इसी अवसर पर हमारे किसान भाई के लिए कृषि प्रदर्शनी जो है वो लगाया जाता है। मंदार महोत्सव के अवसर पर ये प्रदर्शनी होता है, और इसी प्रदर्शनी में स्टेफिफाई का सारा यंत्र यहाँ प्रेजेंट मिलेगा आपको। चलिए दिखाते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा हमारा यहाँ प्रदर्शनी में स्टेफिफाई अपनी मशीन लगाई हुई है, और यहाँ पर उनका भी दाम क्या है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ओपन दाम रखा गया है और वो यहाँ के लिए ही वो है ओपन दाम है। तो चलिए देखते हैं आखिर दाम क्या है, और इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और भी आपको ओवरव्यू मेले का भी देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए किसान भाई, ये जो हमारा स्टेफिफाई का मशीन है, उसमें सबसे पहले प्रदर्शनी में जो पहला नंबर पे रखा गया है वो स्प्रेयर मशीन का, क्योंकि स्प्रेयर मशीन जो है वो सभी किसान भाई के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, वो सालों भर इसका यूज करते रहते हैं, सालों भर यूज करते हैं। और उनसे पहले हम आपको मिलाते हैं अजीत कुमार जी से, जो कि स्टेफिफाई लैब के सीईओ फाउंडर हैं। अब इन्हीं से ओवरव्यू जानेंगे सारे मशीन के बारे में, कि आखिर इनका वर्क क्या है और यहाँ पर इनका क्या कॉस्ट रखा गया है, और क्या यहाँ रिएक्शन क्या आ रहा है किसान भाई का मशीन को देखकर, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार अनिल जी, और अपने किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टेफिफाई लैब की तरफ से। और आज हम लोग ये मंदार महोत्सव जो है काफी प्राचीन मेला है, बहुत प्राचीन मेला है। हाँ। तो आज यहाँ पे हमने अपना प्रदर्शनी लगाया हुआ है, जो हमारा जितना भी बैटरी से चलने वाला कृषि यंत्र है, लगभग सारी मशीनें यहाँ पे प्रॉपर ढंग से हमने लगाई हुई है कीमत के साथ, और हमारे किसान भाई इनको देख करके काफी उल्लासित है, हर्षित है कि इससे जो है इनका उनको इतनी आसानी हो जाएगी, और उनका जो खर्च है, मेहनत है, बहुत कम हो जाएगा, बहुत बच जाएगा, क्योंकि उनके पास जो साधन थे पहले तो पेट्रोल डीजल का ही चलने वाला यंत्र पॉपुलर था, अभी ये विकल्प उनके लिए है, तो वो लोग इसको देख करके काफी उल्लासित हैं। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं, और आगे हमारा स्टॉल भी लगा हुआ है, कुछ यंत्र वहाँ भी रखे हुए हैं। हम स्टॉल पे भी जाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो स्प्रेयर मशीन है वो मतलब कितना बेनिफिट देता है किसान को, कितना बेनिफिट के लिए? बैटरी से चलने वाला देख रहे हैं आप, इसमें 12 वोल्ट बड़ी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसमें जो है 35 से 40 फीट का प्रेशर आता है, और हमारे किसान भाई 300 फीट पाइप भी लगाते हैं तो भी प्रेशर कम नहीं होता है, एक बढ़िया गन मिल जाती है उनको। और आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रॉली पे है, तो इसको लेके कहीं जाना भी आसान है, और इनको हम आराम से इनको लेके जा सकते हैं कहीं भी। और स्टेफिफाई की तरफ से प्रॉपर वारंटी के साथ आती है, इसमें देखिए रियायती मूल्य जो है यहाँ पे दर्शाया हुआ है, मैं इसको आप आप दिखा सकते हैं। अधिकतम मूल्य इनका 17,500 रूपए है, रियायती मूल्य 14,560 रूपए है, ये ट्रॉली के साथ वाली, ट्रॉली के साथ। अब बिना ट्रॉली का अगर आप लेते हैं तो इसमें 14,000 रूपए अधिकतम मूल्य जो अभी चल रहा है वो 11,200 है, अभी 11,200 यहाँ इस मेले के लिए, मेले के लिए। चलिए चलिए, मतलब ये बिना ट्रॉली के भी किसान भाई किसान भाई लेते ही हैं, आराम से काम करते हैं, जिनको जैसा जरूरत है वो वैसा उसको उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा इसके बाजू में जो है
ये बैटरी से चलने वाला पोल्ट्री फार्म में यूज होने वाला इंटरकिंग मशीन है, ये भी जो मुर्गा पालक किसान भाई है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर वो रेगुलर रैकिंग नहीं करते हैं तो उनका जो है डेथ हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाता है चूजों का, जो 20 से 25 दिन का होता है उनका जो बर्ड जब वो उसका बेनिफिट लेने को होते हैं उसमें इतना अमोनिया बनता है, अगर रेगुलर रैकिंग नहीं करे तो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। और उसके लीटर को मतलब हमेशा उलटने के लिए नमी उसमें ना रहे, नमी ना रहे, तो ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई थकान नहीं होता है, आराम से उसका इतना उसमें सर गंध रहता है कि आदमी ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। गंध इसलिए ही होता है क्योंकि वो रेगुलर रैकिंग नहीं होता है, मेहनत लगता है रैकिंग उनके लिए। बहुत ही अच्छा मशीन है जो कि वो जल्दी से जल्दी काम करके वहां से निपट सकते हैं, काम करके निकल सकते हैं। ये लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी से चलती है और इसको चलाना बहुत ही आसान है, वही 26 वोल्ट बैटरी से चल जाती है। फिर आगे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये बैटरी से चलने वाला अर्थ ऑगर रखा गया है, इसमें कई तरह के बीट लग जाते हैं, जैसे ये 6 इंच अभी इसमें लगा हुआ है, 6 इंच 8 इंच 10 इंच जो कि हमारे किसान भाई हमारे चैनल पे देख सकते हैं उसका वर्किंग। और यहाँ पे जो है इसको रखा गया है, ये भी लिथियम फॉस्फेट बैटरी से ही चलती है। मूल्य मूल्य थोड़ा सा हम बता देते हैं इनका, रैकिंग सबसे पहले हम इनका बता देते हैं, ये 30,000 है रैकिंग का है, ये अभी रियायती मूल्य 30,000 है, 30,000 रुपए। ये बैटरी के साथ है? हाँ बैटरी के साथ है, ये बैटरी के साथ अच्छा, बैटरी चार्जर सब चीज के साथ है, ये ट्रॉली रोली सब कुछ ऐसे मिलेगा साथ बैटरी के साथ, बैटरी के साथ। और इनका हम अर्थ ऑगर की बात करें तो इनका रियायती मूल्य तो 13,700 रुपए है। हाँ, इसमें जो 13,700 है ये आपके मशीन की कीमत है, यहाँ से नीचे की कीमत है, क्योंकि ये बीट हमारे किसान चेंज होता है उनके हिसाब से, अपने आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं, 4 इंच 6 इंच 8 इंच 10 इंच जो भी है जैसा है वैसा कीमत रहता है। और बैटरी चार्जर जो है वो भी अपने आवश्यकता से लेते हैं, अगर उन्होंने ब्रश कटर खरीदा हुआ है तो वही बैटरी से चल जाती है। चलिए तो गई ऑगर की बात, ऑगर की बात। अब आते हैं हमारे इस मशीन जो कि बहुत ही, ये तो लग रहा है बहुत ही भयानक मशीन टाइप का कुछ दिख रहा है, ये बैटरी चलित पावर वीडर है, ये छोटा वीडर है 8 इंच चौड़ाई वाला, छोटा है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं तो बेड टू बेड गैप काफी कम होता है उनको, 8 से 10 इंच का मुश्किल से गैप होता है, तो ये उसमें चली जाती है और सब्जी अगर उगाते हैं तो उसमें गुड़ाई के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसको जो है दिन भर चला सकते हैं हमारे किसान भाई, वही लिथियम फॉस्फेट बैटरी से चल जाती है। मतलब खेती अगर कर रहे हैं तो दो, अगर हम दो नाले पर फसल उगाए तो उसके नीचे बीच में जो अगर गुड़ाई करनी है या फिर घास उसको निकालना है तो उसके लिए बेहतर। हाँ, इससे गुड़ाई भी कर सकते हैं, मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। आप देखिए इसके पीछे जो है अटैचमेंट लगाने के लिए क्लैंप है, इसमें लगता है अटैचमेंट। अच्छा, यहाँ पर हम हल टाइप का वो हल लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, हल लगा सकते हैं, नाला बनाने के लिए वो रीजर लगा सकते हैं, काफी सारे अटैचमेंट लग जाते हैं, और ये ब्लेड भी अलग अलग तरह की इसमें लग जाती है। ये आप निकालेंगे और ये अभी 8 इंच है, जब चाहे आप 12 इंच लगा लीजिए, आपको जरूरत है आप 15 इंच लगा लीजिए, और भी तरह के आते हैं ब्लेड वो सब पे रखे हुए हैं, आप 8 इंच 10 इंच 12 इंच 15 इंच जो भी है चौड़ाई उसको आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लेड हट के निकल जाएगी दूसरा ब्लेड लग जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें तो एक वो क्रॉस वीडर ब्लेड, क्रॉस वीडर भी लगती है, वो भी कई तरह के इसमें लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ हल लगा के आराम से वो नाला भी बना सकते हैं। चलिए चलिए, अभी इन्हीं का एक बड़ा रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो है ये 48 वोल्ट बैटरी से चलने वाली पावरफुल वीडर है, इससे आप जुताई भी कर सकते हैं, ये काफी पावरफुल है, और इसमें जो है आप देखिए ये लगा हुआ है, ये जुताई कर देती है आराम से। अरे बाप रे बाप, इनका इनका साइज क्या है सर? ये जो आप देख रहे हैं ब्लेड का साइज, ये ब्लेड का साइज क्या होगा लगभग, इनका लगभग कितना होता है? ये लगभग 16 इंच है, 8 × 16 मतलब उनसे ये दुगुना इनका है, ये दुगुना है। इसमें भी ऑप्शन है, आप अलग अलग ब्लेड लगा सकते हैं। ये सारे मतलब रोटा में अलग अलग तरह के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के ब्लेड लगा सकते हैं। अब देखिए स्प्लिट पिन है, इससे निकालेंगे हमारे किसान भाई आराम से इसको, दूसरे तरह का ब्लेड लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ इनको बैटरी रखने के लिए बैटरी, बैटरी इसके अंदर रहती है, मतलब इसमें हम कांधे पे बैटरी नहीं रखेंगे, नहीं नहीं इसमें ही रखते हैं इसी में, क्योंकि इसमें 48 वोल्ट की बैटरी होती है, वो हेवी बैटरी होती है, लेकिन ये भी इजीली स्वैपेबल होती है। एक बैटरी से लगभग 3-3.5 घंटा हमारे किसान भाई काम कर सकते हैं, तो अगर दो बैटरी रखते हैं तो वो दिन भर चला सकते हैं, हमारे जितने यंत्र हैं सब दिन भर चल सकते हैं,
कोई गर्म होने वाला प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत सारे इंजन जो है इंजन से चलने वाले पेट्रोल डीजल चलने वाले मशीन जो है वो गर्म हो जाती है, ये सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डिजाइन बिल्कुल ही नया है और इस तरह से बनाया गया है कि हमारे किसानों को आसानी से उनको हैंडल कर सके, आसानी से हैंडल कर सके। और प्लस यहाँ स्विच दिया गया है, स्विच दिया गया हाथ में उनके कि आप आराम से इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चाहे तो मैं थोड़ा सा इसको ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑन करते चालू हो जाती है, ये एक ही स्पीड में चलेगा, इसी स्पीड में चलेगा, लेकिन इसी में तो आपका पूरा मिट्टी उड़ा देता है। बहुत ज्यादा पावरफुल ये है, बहुत पावरफुल। इतना भी हार्ड मिट्टी रहेगा ना वो क्रश कर देगा। अच्छा, तो इनके साथ भी हम हल लगा सकते हैं? हाँ, इसमें भी आप नाला बनाने वाला हल लगाइए और इसमें भी कई तरह के ब्लेड लग जाते हैं। अच्छा, और अच्छा। बैटरी इजीली स्वैप होती है। इसमें जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उसकी लाइफ जो है 8 से 10 साल रहती है। हमारे जितने भी यंत्र थे जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी चलने वाले थे, सबकी बैटरी की लाइफ 8 से 10 साल होती है, 3 साल वारंटी के साथ आती है। 3 साल वारंटी भी होती है? 3 साल वारंटी के साथ आती है। और मशीन पे पूरा कंप्लीट 1 साल का वारंटी रहता है। कोई दिक्कत लगभग सारे मशीन पे, सारे मशीन पे 1 साल का रहता है। कोई दिक्कत हो हमारे किसान भाई फोन करें, तुरंत ही उसका सॉल्यूशन जो हम लोग उनको दे देंगे। अच्छा, इनका मतलब क्या, मतलब स्टेपिफाई लाइव की कोई अगर बोले कि हम अगर लेना चाहते हैं, अगर सर्विस करवाना हो तो कैसा सर्विस हो सकता है? हमारा आप डिस्प्ले पे हमारा जो नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पे कॉल करेंगे, आपको प्रॉपर रिस्पांस जो हमारी टीम से मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, इनके मतलब पूरा टेक्निकल टीम बैठी हुई है, बैठी हुई फुल सपोर्ट के लिए, फुल सपोर्ट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये मंगवाया जा सकता है घर बैठे। हम लोग कुरियर से या ट्रांसपोर्ट से जो भी साधन वहाँ होता है उससे हम लोग भिजवा देते हैं। अच्छा अच्छा, कहीं भी पैन इंडिया, कहीं भी पैन इंडिया में। अब तो थोड़ा एक्सपोर्ट भी। अच्छा, ये मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाला क्या सिस्टम है? कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है। हमारे किसान भाई को कंपनी के खाते में एक अग्रिम जमा राशि जमा करनी होती है, बाकी बकाया राशि जो है एक नॉमिनल राशि हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसको भेजने का भी मतलब खर्चा हो जाता है, क्योंकि बड़ा मशीन होता है, तो उनके घर तक पहुँच जाए फिर उसका जो है भुगतान वो करके इसको ले सकते हैं। 4 मोटर वाली ये है, अगर आप 2 मोटर चलाना चाहते हैं तो बैटरी बैकअप और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप नीचे स्प्रे कर रहे हैं 2 ही मोटर आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप हाइट वाली कर रहे हैं कुछ जैसे लीची आम कर रहे हैं तो उसके लिए 4 मोटर आप प्रेशर दे दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसमें भी 8 से 10 घंटे तक का इसका बैकअप है बैटरी का। एक दिन अगर हम चार्ज कर लिया तो पूरा दिन हम काम ले सकते हैं। अभी तो हमने देखा है कि जितने भी सारे उपकरण थे, यंत्र थे, मशीन थे, वो नीचे पड़े हुए थे, लेकिन इंस्टॉल में अब क्या क्या है चलिए वो हम आपको दिखाते हैं और एक एक चीज के बारे में बताते भी हैं कि आखिर वो आपके लिए काम में कितना अच्छा मददगार हो सकता है और कितना यूजफुल हो सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में चलिए दिखाता हूँ। आइए, तो ये हमारा स्टॉल है स्टेपिफाई के लैब का जो स्टॉल मिला हुआ है। देखिए स्टॉल के अंदर भी कुछ सारे बहुत सारे हमारे मशीन पड़े हुए हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। वैसे तो बाहर में जो था हमने अभी पूरी जानकारी ली, डिटेल जानकारी, ऐसे हमने बोला था सर को ओवरव्यू देने, लेकिन वहाँ पूरी जानकारी हो गई। अब चलिए यहाँ के बारे में भी जानते हैं। आखिर सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये छोटा सा मशीन दिख रहा है, आखिर ये क्या चीज़ है? ये भी एक स्प्रे मशीन है जो कि 26 वोल्ट बैटरी से चलती है। इसका प्रेशर 35 से 40 फीट जाता है और 300 फीट पाइप लगा सकते हैं इसमें। और ये जो ब्रश कटर में बैटरी लगती है उसी बैटरी से ये चल जाती है। अच्छा अच्छा, जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि हमारा वीडर भी उसी बैटरी से चलता है, पोल्ट्री वाला मशीन भी उसी बैटरी से चलता है, हमारा ब्रश कटर भी उसी बैटरी से चलता है। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि ये मशीन भी उसी बैटरी से ऑन हो जाएगी। जैसे बैटरी लाना, अभी बैटरी लगा के भी मैं ये सर दिखा रहे हैं कि एक ही बैटरी, ये सिर्फ बैकपैक आप लेते हैं एक बार, एक आप कोई भी मशीन लेके आप उसमें यूज कर सकते हैं, हर तरह का यंत्र हाँ चला सकते हैं। ये बहुत फायदे वाली बात है। देखिए ऑन हो गई, स्विच ऑन किया ऑन हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपका यहाँ पर इसमें ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। और इसमें मैं बता दूं किसान भाई, ये 26 वोल्ट से चलने वाली स्प्रे मशीन है और इसका जो अभी यहाँ की रियायती मूल्य है यहाँ की रियायती मूल्य है वो 15,500 की। उसमें आपको मशीन के साथ 83 फीट पाइप और गन भी मिल जाता है। गन जरा से दिखाना, 83 फीट पाइप मिलता है साथ में और ये गन मिल जाती है।
तो एक इस गन से आप चाहे तो कई तरह के काम कर सकते हैं। आप बागवानी के साथ साथ आप बड़े खेतों में भी स्प्रे कर लगा सकते हैं, काफी अच्छा है। और साथ ही साथ आप अपने गाड़ी की भी धुलाई घर की भी धुलाई कर सकते हैं, गाड़ी की धुलाई कर सकते हैं। मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज है ये, बिल्कुल ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। काफी मजबूत गन है। देखिए हम जो कुछ किसान भाई बोलते हैं आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं उनका गन टूट वगैरह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा गन है वो, तो आराम से मतलब काफी मजबूत है, ऊपर लेके जा सकते हैं साथ में गन, अपने साथ गन लेके ऊपर गए वहां से स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, ये देखिए ये बहुत ही यूनिक लग रहा है ये देखने में कुछ इस टाइप, और बहुत ही छोटा सा ये स्टैंडर्ड साइज का कुछ इसका बनावट है इसका। इसके बारे में बताइए सर, आखिर ये है क्या? बहुत हल्का भी है, लाइट वेट है। लाइट वेट है ये, बैटरी वाली चेनसॉ है, मिनी चेनसॉ। जो किसान भाई हमारा बांस काटते हैं या फिर पेड़ छाटना होता है, आम का या अमरूद का कोई भी तरह का पेड़ छाटना होता है, सागवान काटना होता है, उनके लिए काफी अच्छा है। और ये भी जो है हमारा वही सेम लिथियम फॉस्फेट बैटरी से चल जाएगा, सेम बैटरी से, सेम बैटरी से चल जाएगा। मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। इसमें सेफ्टी दिया गया है, हैंडल और पकड़ने के लिए तो है ही, साथ में देखिए बेल्ट पे भी दिया गया है कि हाथ में कोई प्रेशर आए ना। और मैं इसी बैटरी से इसको मैं चला करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इनको तो ये कांधे पर लेंगे, ये बैकपैक को अपने कांधे पे लेंगे। मैं सिम बैटरी से देखिए यहाँ से ऑन था, ऐसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये कनेक्ट हुआ और ऑन करते ही मशीन चालू। अच्छा, इससे कितना मोटा से मोटा हम पेड़ पौधे को काट सकते हैं? आप आराम से 8 इंच तक का जो है आराम से काट सकते हैं, 8 इंच मोटाई तो इतना हो जाता है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वी बना के काटना पड़ेगा। अच्छा, वी बना के अपने काटने के टेक्निक को आप अगर अच्छा करते हैं तो मोटा मोटा पेड़, मोटा मोटा पेड़ अभी से काट सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा है। आइए, तो हमको लगता है कि अगर जो बांस का बिजनेस करते हैं, बैम्बू का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, अच्छा है कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बांस की कटाई कर सकते हैं। आप कोई पेड़ पौधा हो गया या फिर आम की छटाई जो होती है उसके लिए काफी अच्छा है। और सबसे खास बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए एक कॉमन बैटरी है जो सारे यंत्र को चला रहे हैं। हाँ, ये चीज है। अब उसके बाद अच्छा ठीक है, क्या यही बैटरी से ये भी चल जाएगी? बिल्कुल, ये ब्रश कटर भी उसी बैटरी से चलती है। ये भी देखिए कितनी है, 26 वोल्ट है ना, 25.6 26 के आसपास आती है। हाँ। ये भी उसी बैटरी से चलती है। और देखिए इसमें हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है, बैटरी 10 साल तक है, 3 साल वारंटी है। अच्छा, 3 साल वारंटी है। कोई भी कंपनी जो है जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं 2 साल से ज्यादा वारंटी देती नहीं है, हम लोग लिख करके 3 साल देते हैं। 3 साल तक कोई दिक्कत हो बस फोन कॉल करें, कोई खर्च नहीं लगेगा उनको रिपेयर करके 2 से 3 दिन। सबसे अच्छी बात तो यह है किसान भाई के लिए कि ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं मशीन प्रोडक्ट, वो सभी बैटरी से चलने वाले, सभी बैटरी से चलने वाले हैं, बैटरी के अलावा हमारा काम ही नहीं। हाँ, मेंटेनेंस में कोई खर्च ही नहीं लगने वाला है, क्योंकि मशीन यहाँ पेट्रोल इंजन इसमें है ही नहीं, इंजन की मशीन ही नहीं है पेट्रोल वाली इंजन की, यहाँ बस मोटर है और बैटरी है, ऑन ऑफ करना है, नहीं है मोटर है बैटरी और क्लच भी नहीं है, क्लच भी नहीं है, गियर भी नहीं है। हमारा पेटेंटेड मैकेनिज्म है जिससे गर्म नहीं होती है, दिन भर चलती है, दिन भर चल जाती है। अच्छा, ये जो है ये तो ब्रश कटर है, और बहुत ही हाई टॉर्क ब्रश कटर ये है, बहुत ज्यादा मतलब हैवी ड्यूटी इससे हम ले सकते हैं। ये ब्रश कटर देखने में ही ऐसे ही हैवी लग रहा है, और लेकिन इसमें अगर हम ये बैटरी लगाते हैं 26 वोल्ट की बैटरी, तो ये कितने देर हम काम को इसमें ले सकते हैं? 4.5 घंटे चलती है 26 वोल्ट की बैटरी, 4.5 घंटे 18 जो ये बैटरी है ये 4.5 से 5 घंटे सर्विसेज में देती है। अच्छा, ये 18 एम्पियर की बैटरी है। और अगर 12 एम्पियर की बैटरी लेते हैं जो ये वाली है, ये आपको 3 से 3.5 घंटे आपको सर्विस देगी धान काटने में, धान गेहूं। अच्छा, इससे कटाई क्या क्या कर सकते हैं हम? ये हैवी ड्यूटी अगर है तो इससे कटाई क्या कर सकते हैं? आप सारा फसल का कटाई कर सकते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, लेमन ग्रास है, गन्ना है, मक्का है, कुछ भी। नेपियर काट आराम से, नेपियर सुपर नेपियर काटिए, चारा काटिए, कोई दिक्कत। बहुत सारे किसान भाई का कमेंट रहता है सर नेपियर काट देगी, नेपियर काट देगी, सुपर नेपियर गन्ना तक काट दे रही है, तो फिर वो नेपियर क्या चीज है? अरहर काट देगी आराम से, अरहर काट दिया तो कोई भी घास क्या कोई भी फसल को ये काट सकता है। ये भी मैं आपको चला करके अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक मिनट सर, हम दाम इसमें देख रहे हैं, यहाँ की रैयती मूल्य रूप
1280 रुपए की है। 23,280 है, 3,000। ये 3 से 3.5 घंटे बैकअप वाले। और मतलब वो बैटरी का चेंज हो रहा है, बैटरी चेंज हो रहा है, चार्जर चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से फिर दाम इधर उधर होता है। ठीक है, ये तो हो गया, हम चला के देखेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ ये एक और ब्रश कटर है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाली ब्रश कटर है, ये काफी किफायती होती है हमारे 12 वोल्ट की है, काफी किफायती होती है हमारे किसान भाइयों के लिए। इससे आप फसल कटाई कर सकते हैं, इसमें दो तरह के ब्लेड लग जाते हैं, 80 दांत, 3 दांत। आप फसल कटाई कर सकते हैं, धान गेहूं। और जैसे ये वाली ब्रश कटर है, इसमें बहुत तरह के अटैचमेंट लगते हैं, जैसे चेन सॉ भी इसमें लग जाता है। अच्छा, ये अटैचमेंट आप इसमें लगा सकते हैं, फीडर लगा सकते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए। लेकिन इसमें है कि इसमें आप केवल कटाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी इसमें ये नायलॉन ट्रिमर लगा हुआ है जो घास को कटाई करने के लिए हम लगाते हैं। मतलब सारे अटैचमेंट ये दोनों में लग सकते हैं? नहीं, इसमें सारे अटैचमेंट लग सकते हैं। अच्छा, इसमें सारे अटैचमेंट लग सकते हैं। और इसमें केवल कटाई वाले, कटाई जैसे धान की गेहूं की कटाई करनी है तो इससे हो। दाम में क्या फर्क आता है? इसको दाम जैसे देखिए, मैं दोनों का दाम जैसे ये मान लीजिए लिथियम बैटरी के साथ लेते हैं, लिथियम फॉस्फेट बैटरी हमारा, इसमें भी लिथियम फॉस्फेट लगा हुआ है जो की आपको 10 साल तक लाइफ होता है इसका। तो 3 से 3.5 घंटे बैकअप वाला मॉडल लीजिएगा लिथियम बैटरी के साथ, ये 17,500 की आएगी। और अगर साधारण बैटरी लेके आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, 12 वोल्ट एक्साइड बैटरी से भी चल जाती है, तो मात्र 13,140 में ये फंक्शनल हो जाएगी। मात्र 13,140 रुपए में जो 2 घंटे तक ये काट सकती है, 1.5 से 2 घंटे चलेगी वो। और अगर आप 17,500 लगाते हैं तो ये 3 से 3.5 घंटे चलेगी। और बैटरी का लाइफ जो है उसका, एक्साइड बैटरी जो है 2 साल से ज्यादा नहीं चलती है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो फर्क आ रहा है तो ये लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी इसमें आती है 3-3.5, जो कि इनका लाइफ होता है वो 10 साल का होता है। 10 साल तक होता है। और इसमें जो बैटरी आती है वो एसिड वाली आती है, एसिड वाली लीड सूखी सेल आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कि इसका वारंटी 1 साल की होती है, वारंटी 1 साल होती है। इसमें दाम फर्क हो रहा है, बाकी मशीन वही है, इक्विपमेंट जो भी है उनके साथ वही रहेंगे, सब सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार इनको चला के आप दिखाइए कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, आखिर किसान भाई भी तो देखे आखिर वर्क कैसे करता है। मैं चलवा देता हूं, बस ये कनेक्टर लगाना है यहाँ यू, और इसमें भी देखिए स्विच है, ऑन करते हैं बैटरी बैटरी बैटरी। अब देखिए क्या रफ्तार में ये घूमती है, मतलब इसमें बैटरी इनबिल्ट। हाँ, बैटरी इस बॉक्स में है। ये तो बहुत यूनिक है, ये बहुत यूनिक। इसमें हमें कांधे पर बैटरी लटकाना नहीं है, लटकाना है बस, यहाँ बैटरी पीछे लगा हुआ है, आपको बस चलाना है। आरपीएम बहुत फास्ट है इनका, बहुत ज्यादा आरपीएम फास्ट है। वाह क्या बात है, ये धान की कटाई बहुत ही मक्खन तरीके से ये काट सकता है आराम से, बिल्कुल आराम। और बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में ये किसान भाई का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, बहुत अच्छा। इस मशीन से हमारे किसान भाइयों ने बताया कि 1 सप्ताह में उनका गेहूं काटने में कॉस्ट रिकवर हो जाता है, बिल्कुल। उसके बाद वो अपने पड़ोस के इसमें या रिश्तेदारों का भी काट करके उनका भी कल्याण कर देते हैं, या भाड़ा चला के कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा है, आरपीएम इनका बहुत हाई है, देखिए अभी तक घूम रहा, बहुत ही अच्छा मोटर है ये। चल ये उसी बैटरी से चलानी है। अच्छा, इनमें जो पीछे है ये मोटर है, ये मोटर बॉक्स है। अच्छा, ये आपको बैकपैक लेना है, बैकपैक लेना है, मोटर अलग से लगानी है इनमें, बैटरी अलग से लगानी है इसमें। ये वही छोटी अलग बैटरी से आपकी ये चल जाएगी, ये कंधे पे ऐसे यूं टंकी है भाई। ठीक है, बस यूं कनेक्ट करना है, ऑन है क्या? चलो एडजस्ट करो, इसको दिखा दीजिए थोड़ा आगे, चलिए ऑन करो। ये ऑन होते के साथ चालू हो जाती है, इसमें सारे तरह के ब्लेड सभी तरह के अटैचमेंट लग जाते हैं। ये हैवी ड्यूटी ब्रश कटर हो गया आपका, ये हाई टॉर्क है। हाँ, ये थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, तो इनसे आप है इनमें सारे अटैचमेंट का आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, और जो आपको काम में आए वो तरह का आप इसमें अटैचमेंट लगा सकते हैं। और एक इसमें यूनिक अटैचमेंट है सर, वो अपने पंप वाला हमने आप दिखाया नहीं अभी। ये देखिए,
इसमें ये देखिए किसान भाई कि अगर आपको अपना छोटा कोई गार्डन आपको पटवन करना हो, वाटरिंग करनी हो, पटाना हो, तो आप इसको बस इसमें इंस्टॉल कर देना है, लगा देना है, और फिर आप कहीं नदी हो, नाला हो, कहीं आस पड़ोस का हो, तो आप इसको आराम से पानी में डुबाइए और बस यहाँ से ऑन कीजिए, पानी देना शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा पानी देना, जो कि किसान भाई के लिए बहुत ही एक मशीन, और इससे हम कई सारे काम निकाल सकते हैं। पूरे 12 तरह के अटैचमेंट लग जाते हैं, 12 तरह के अटैचमेंट आप सोच सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ 2 अटैचमेंट और एक जो ब्रश कटर का ये जो पीछे लगा हुआ है, इसमें 3-4 तरह के ब्लेड भी लगते हैं, 3-4 तरह के ब्लेड लग जाते हैं, और फिर और भी कई तरह के अटैचमेंट लग जाते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी लग जाता है, क्रॉस वीडिंग और वीडिंग ब्लेड, वो सभी अटैच हो जाते हैं, इसमें लग जाते हैं। तो किसान भाई अगर आपको मतलब इसमें से कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा हो तो आप सीधा कमेंट हमें कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, और कुछ भी जानकारी और कुछ डिटेल जानकारी आपको लेनी है तो हमारा वेबसाइट है, डिस्प्ले पर फोन नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए या फिर वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, सभी मशीन के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। या फिर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो जो कि आपका क्लियर ना हो रहा हो, तब सीधा कॉल कर लीजिए, कॉल कीजिए, सपोर्ट टीम हमारी बैठी हुई है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन करना हो आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ भी रिगार्डिंग आप कॉल करते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और सर अगर कोई यहाँ जो रेट चल रहा है और अगर कोई फिर से कॉल करके कोई रेट लेता है तो क्या मतलब, ये जो रैयती रेट था यहाँ और अधिकतम रेट था तो क्या इसमें समझ कुछ नहीं आ रहा? अभी जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख करके अगर कॉल करते हैं, बताते हैं, तो जो रियायत अभी यहाँ लिखा हुआ है मेले में जो चल रहा है, रेट चल रहा है, यही रेट उनको मिल जाएगा। मतलब ये जो वीडियो देख के मेले मेला वाला जो वीडियो का रेफरेंस देते हैं तो उसमें मेला के नाम पे मैं कुछ और भी कर दूंगा अपने मन से, किसी को मतलब ना नहीं कहूंगा, मतलब आप खुश कर देंगे उनको जो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर मौका है, फटाफट आप ऑर्डर कर ही दीजिए, और इस बार जो है ना एकदम बोले सर के खुश कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर मिलेगा। अब चलिए एक जो कि बहुत ही यूनिक आपको हमारे स्टेपिफाई का प्रोडक्ट है उनके बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सर हम जानना चाहेंगे आखिर ये मशीन क्या है, ये इसमें सोलर प्लेट लगी हुई है, एक बॉक्स है और बॉक्स में कैमरा लगा हुआ, आखिर ये काम क्या करता है हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आखिर ये वर्क कैसे करता है? आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेत रखवाली यंत्र है, जैसे आपके आवारा पशु होते हैं या जो चोर होते हैं, मानवीय चोर होते हैं, उससे फसल की रखवाली के लिए काफी उपयोगी है। इसमें कैमरा लगा हुआ है, डे नाइट कैमरा, जो कि 24 घंटे चलता रहता है, और सोलर पैनल से जो है इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है दिन में, और ये आपको 24 घंटे रखवाली करता है। जैसे ही 90 मीटर के अंदर जैसे ही कोई आदमी या जानवर प्रवेश करता है, तो मान लीजिए नीलगाय प्रवेश कर रहा है, तो नीलगाय दिख रहा है 90 मीटर के अंदर, तो ये नीलगाय को पहले इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे उसको आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके ठीक उसके विपरीत जो है उसमें जो हॉर्न लगी है उससे वो आवाज निकालेगा, और हॉर्न लगी है उससे आवाज निकालेगा, और साथ ही आपको फोन कॉल भी कर देगा, और फोटो चूंकि कैमरा है फोटो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो ये फोन कॉल कर देगा। मतलब जो मालिक है, ऑनर है, उनको ये कॉल करेगा, कॉल चला जाएगा 5 सेकंड के अंदर, और ये फोटो खींच के वो फोटो भेज देगा, फोटो भेज देगा। मतलब हाई टेक्नोलॉजी से पूरा ये पूरी तरह लैस है, सबसे एडवांस प्रोडक्ट है अभी सर्विलेंस में, क्योंकि इसमें एआई से आइडेंटिफाई करते हैं, रेंज ज्यादा है, और भगाने के साथ साथ वार्निंग भी मिल रही है और फोन कॉल भी आ जा रहा है, तो जो भी उपाय है हमारे किसान भाई कर लेंगे। मतलब कोई भी किसान भाई अपने घर में बैठे बैठे जान सकते हैं कि हमारे खेत में क्या है, या फिर आप मछली पालन करते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं कि आप कहीं कोई चोर तो आपका मछली नहीं निकाल रहा, या फिर और भी कोई बात तो नहीं हो रही है, वो कुछ भी अगर ऐसा होता है तो एक्टिविटी होगा तो वो आपको अलर्ट करेगा मात्र 4 सेकंड में, 4 सेकंड में, बहुत ही फास्ट के साथ साथ बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है इनका, एआई भी बहुत ही तगड़ा है। अब चलिए हम एक बार देख भी लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, या करता है या नहीं करता है, मैं दिखा वो भी देखा। अच्छा ये शेर की आवाज था, ये ओरिजिनल शेर की आवाज का जो रिकॉर्डिंग है इसमें डाला हुआ है, मतलब वो
मतलब और भी एक अलग अलग आवाज निकाल सकता है, कई तरह की आवाज इसमें स्टोर है, जानवर के हिसाब से स्टोर किया गया है। मान लीजिए नीलगाय है, 10 तरह की आवाज भागता हुआ, नीलगाय के लिए 10 आवाज डाल दिया गया। तो अभी ये आपको कॉल फिर करेगा? हाँ, कॉल आएगा और फिर ये फोटो भी आएगा। फोटो भी आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी मेला है, नेट कनेक्टिविटी स्लो है और इसमें अभी ये फोन भी इसमें ये आएगा तो अभी आएगा नहीं, बट अलर्ट तुरंत दे देगा। अच्छा, अलर्ट ये तुरंत देके आपको वहां से अगर कोई जानवर है तो उसको वहां से भगा सकता है। तो किसान भाई, अभी देखा आपने कि स्टेपीफाई लैब का जो भी मशीन था, जो भी यंत्र था, वो आपके सामने हमने प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ओवरव्यू दिया। आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप आराम से कॉल या फिर वेबसाइट पर जाके हमें विजिट कर सकते हैं। हमारे मेले की ये जो स्टॉल लगी हुई आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह स्टैंड है, सारे इसमें विवरण दिए हुए हैं और प्लस में इस तरह डिस्प्ले में हम लोग किसान को दिखाते भी हैं कि आखिर इसमें काम कैसे आपका हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सारे फसल अवेलेबल नहीं है जो हम लोग दिखा पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं किसान को कि आखिर इस तरह से हमारे प्रोडक्ट के जरिए आपका काम निकल पाएगा। तो चलिए किसान भाई, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह नए अंदाज में और कोई नए प्रोडक्ट के साथ और नए जानकारी के साथ। तो फिर दीजिए आप अपने अनिल रमन को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।